खटर पटर मुर्दाबाद 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 खटर पटर मुर्दाबाद 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 किसान एकता करता है मरने से नहीं डरता है किसान एकता करता है मरने से नहीं डरता है। यमुनानगर में सीएम के आने की सूचना मिलते ही किसान हाथों में काले झंडे लेकर लघु सचिवालय के बाहर पहुंच गए। हालांकि सीएम का कार्यक्रम मौसम की खराबी के चलते स्थगित हो गया, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि अगर सीएम यमुनानगर आए तो उनका हेलीकॉप्टर भी किसान जमीन पर उतरने नहीं देंगे। साथ ही किसानों ने कहा कि अब हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं व मंत्रियों का भी पंजाब जैसा हाल होगा। सीएम साहब और जो बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी और कार्यकर्ता हैं, सभी कोई भी प्रोग्राम करेगा पंजाब बड़ा हाल करेंगे। अब कपड़े फाड़ेंगे या तो ऐसे मान जाओ, जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है आप लोग भी अपने घर बैठिए। हम लोग अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, सेंटर सरकार से हमारी लड़ाई है। आप लोग बीच में बार बार टांग अड़ा रहे हो क्योंकि आप लोगों को आदत है, आपकी पार्टी को आदत है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, जात पात पे लड़ाना, धर्म पे लड़ाना और इन किसानों को पुलिस वालों के साथ लड़ाना, जानबूझ के बदनाम करना। उपद्रवी हैं, उग्रवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, जानबूझ के हमें बदनाम करना। तो बोल दिया जी कपड़े फटाएंगे जैसे पंजाब में भी नेताओं के, अब तो पीछे भागेंगे इनके हम। ये आगे आज खटर आने वाले थे तो उनके आया नहीं जी, तैयार खड़े हैं। आज कुछ भी होना था, आज अपने साधन लेके सारे किसान अपने आगे थे लड़ने मरने के लिए कि यहाँ से आने नहीं देंगे उनको। क्या तैयारी करनी, ट्रैक्टर घर पे खड़ा है, सलम मार के लेकर आना है, बैरिकेड प्रशासन लगाएगा, उनको तोड़ेंगे, लेकिन संदीप को घुसने नहीं देंगे यमुनानगर के अंदर। ये चेतावनी है खुली हमारी। 16 तारीख का जो प्रोग्राम है उसका विरोध होगा और डट कर विरोध होगा। आज पूरे हरियाणा में विरोध है इनका नेताओं का। देखिए सरकार और प्रशासन दबाने का काम करता है, अगर कोई लोकतंत्र में आवाज उठाता है तो प्रशासन उसको दबाने का काम करता है। किसान और मजदूर किसी भी कीमत पे नहीं दबेंगे, चाहे हमारे पे लाख मुकदमे दर्ज करो, चाहे जेल में डालो, चाहे गोली मारो, चाहे कुछ भी करो, लाठी चार्ज करो, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, कुछ भी करे सरकार। तो प्रोग्राम था सीएम का विरोध का, सीएम साहब ने पता था सीआईडी रिपोर्ट से भी, कैमरे से भी ज्यादा बुरा हाल आज किसान करेंगे। ये तो एक शोक सभा थी कमला वर्मा के यहाँ, हमने हेलीपैड का कोई वो नहीं दिया था, नहीं हम हेलीकॉप्टर में उतरने देते, वही हाल होता उसका। और परसों जो अभी गर्वेंसी की मीटिंग तो महीने बाद होती है, ये जानबूझ के किसानों के साथ टकराना चाहते हैं। संदीप सिंह को यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया जाएगा और पूरी किसान अपनी ताकत, आज किसानों को मैसेज दे दिया है कि आज कैंसिल हो गया, नहीं यहाँ हजारों की संख्या में किसान होते हैं।